नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि अमेजन ऐप से आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से कैशबैक ले सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, टैक्स से रिलेटेड, फ्री ऑफर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसे आपको कैशबैक लेना है, और मैं एक ट्रिक भी बताऊँगा लास्ट में कि आप किस तरीके से ज़्यादा कैशबैक ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अमेजन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप अमेजन ऐप को डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मोर ऑप्शन पर जाएंगे। मोर ऑप्शन पर जाने के बाद नीचे की तरफ आएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पर जाकर अपन वहाँ पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद अगर अभी तक आपने अमेजन ऐप को डाउनलोड किया है तो उसकी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर लो। किस तरीके से बैंक अकाउंट लिंक करना है, साइनअप करना है, उसकी भी मैं वीडियो दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ऊपर मेरा एक ऑफ़र शो हो जाएगा, आपके आईडी पर क्या ऑफ़र शो हो रहा है आप देख सकते हैं। आपकी आईडी पर ऊपर की तरफ ऑफ़र शो हो जाएगा, मेरी आईडी में 150 बैग का ऑफ़र चल रहा है, 150 रुपीज़ बैग का। तो मैं इस पर टर्म्स एंड कंडीशन देख लेता हूँ। अगर मैं 300 रुपये का बिल जमा करता हूँ तो उसके लिए मुझे पहले महीने में 35 रुपये, दूसरे महीने में 35 और तीसरे महीने में 80 रुपये मिलेंगे। तो आपके आईडी पर क्या ऑफ़र शो हो रहा है आप देख सकते हैं, आपको 40 रुपये कैसे मिल सकता है, जो भी मिले। और पहले मैं अपना स्टेट देख लेता हूँ, आप अपना ज़िला चॉइस कर ले, जो भी आप बिल जमा करना चाहते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का ज़िला देख लीजिएगा। और मैं स्टेट चुन लेता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश चॉइस करता हूँ। आपका जो भी ज़िला है आप वो चॉइस कर लीजिएगा। और सिलेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जाएंगे, इसमें आपको आप किस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से आते हैं वो चॉइस करना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल पर क्लिक कीजिएगा, और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पर। तो मैं अर्बन पर क्लिक करता हूँ, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड UPPCL अर्बन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा कंज्यूमर नंबर मांगा जाएगा, विल आईडी नंबर, आपके विल पर दिया होगा आपके आईडी नंबर, उसको यहाँ पर आपको डालना है। उससे आपका डिटेल्स निकल आएगा, जो भी आपका अमाउंट है बिल पर वो शो हो जाएगा, और किसके नाम पर बिल है वो भी शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर डाल दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ जो आपके काम आए। तो चलो मैं डाल लेता हूँ, डालने के बाद फैच बिल्स पर जाता हूँ, कुछ देर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा जिसके नाम पर बिल है, अमाउंट आ जाएगा कितने अमाउंट का बिल है। तो आप बिल में देख सकते हैं बिल में कि कितने अमाउंट का बिल है और किस तरीके से पे करना है आपको। तो यहाँ पर शो हो चुका है 1634 रुपये का बिल है। तो आप किसी से के भी जरिए इस बिल को जमा कर सकते हैं, अमेजोन पे UPI के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए या भीम UPI के जरिए। तो कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करूँगा नीचे की तरफ जाकर, कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन शो हो जाएंगे कि आपको किसके जरिए बिल जमा करना है। तो आप जिसके जरिए चाहें कर सकते हैं, अमेजोन पे UPI के जरिए, भीम UPI या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पर डिटेल्स दे दीजिएगा। मैं अमेजोन पे UPI से करना चाहता हूँ तो मैं अमेजोन पे UPI पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आऊँगा तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पर यहाँ पर शो हो जाएगा सब ऑर्डर कि कितने मेरे अमेजोन में 500 रुपये लगभग पड़े हैं। तो मैं अमेजोन पे UPI पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मुझसे UPI पिन मांगी जाएगी, तो मैं अपनी UPI पिन दे दूंगा, आपकी जो भी पिन है आप दे दें। देने के बाद कुछ देर प्रोसेसिंग होगी, वेट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्लेस्ड, नीचे चेक योर डिटेल्स पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, हो जाएगा, और शो रिसीट पर आकर आप अपनी बिल डिटेल्स भी निकाल सकते हैं कि आपका बिल क्या है। और मैं होम पर आकर आपको देख सकता हूँ 80 रुपये कैशबैक मुझे मिल चुका है अमेजोन पे बैलेंस में। मैं दो बिल पहले भर चुका हूँ, लास्ट का बिल है तो उससे मुझे 80 रुपये कैसे मिले है। और व्यू स्टेटमेंट में जाकर भी आप देख सकते हैं। और एक ऑफ़र निकल कर आ रहा है पैसा वापस ऐप से, जिसके लिए आपको
10 ट्रांजेक्शन करने पर, 50 रुपीज़ के 10 गिफ्ट कार्ड खरीदने पर, पेटीएम यूपीआई से पैसा वापस के जरिए, पेटीएम यूपीआई से आप अगर 10 गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं, 10 ट्रांजेक्शन करते हैं 50 रुपीज़ का, तो उसके लिए आपको पेटीएम वॉलेट में 50 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो आप इसके जरिए भी गिफ्ट कार्ड खरीद कर अमेज़ॉन में आकर ऐड टू गिफ्ट कार्ड कर सकते हैं, और उसके ज़रिए भी आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा, और अमेज़ॉन के लिए आपको अलग से कैशबैक मिलेगा बिल पेमेंट करने पर। तो आपकी जितनी भी आईडी हैं, पैसा वापस की आईडी जितनी भी हो आपके पेटीएम पर, तो आप बनाकर यहाँ पर गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं। ये ऑफ़र निकलता रहता है पैसा वापस पर, तो आप अगर नहीं भी कर पाए, इसकी डेट है 7 जुलाई और 8 जुलाई को, अगर नहीं भी करवाएं तो आगे भी ऑफ़र निकलता रहता है, तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन ऐप पे जाकर मैं पेस्ट करके यहाँ पर गिफ्ट कार्ड चिपका देता हूँ, फिर मैं बिल जमा कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा 50 रुपये कैशबैक मिला है, और मेरे वॉलेट में जाके आप देख सकते हैं मुझे 50 रुपये का कैशबैक मिल चुका है 10 ट्रांजेक्शन करने पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें आप अपने सभी दोस्तों को। अगर इसको बारीकी से आपको देखना है कि पैसा वापस मैं किस तरीके से गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं, तो मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बारीकी से बताया गया है कि पैसा वापस में जाकर आप किस तरीके से गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं। तो इसके लिए मुझे कैशबैक रिसीव्ड हुआ है 50 रुपये का, तो आप भी इस तरीके से अपना बिल जमा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।